A very good evening to all of you. I'm Shri Ahuja. Welcome you all to the South classes. Am I audible and visible to everyone? Angie, am I audible and visible to all of you? Good evening, Rachna ji. Good evening, Preeti. Good evening, everyone. So yes, students, as you all know that we are running Economics Master Cadre Series 2 and today is our lecture number 19, right? So सबसे पहले आप सबसे request है students that आप लोग हमारे Saval Classes के channel को like करें, subscribe करें और bell icon के ऊपर click करें so that आपको हमारे Saval Classes के सारे lectures के बारे में सारे latest notification videofications जो हैं वो आपको मिलते रहें. ठीक है जी, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आज हमारा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में से मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आई हूँ. दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इंडियन इकोनॉमी. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन इंक्लूड फूड, एजुकेशन, कार या फिर बोथ ए एंड बी. एक इंसान की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके अंदर क्या क्या आता है, खाना आता है, एजुकेशन आती है, कार आती है या फिर दोनों, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. हाय अमन, यस बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर. यस एवरीबॉडी गिव द राइट आंसर. रचना, प्रीति, अमन, तरसेम जी हैज गिवन. Yes, really good everybody. The correct answer is option number D. That is, हमारा जो एक person का एक minimum requirement होता है, उसके अंदर food and education दोनों आते हैं. So your correct option is option number D. Right. Good evening, Tarsem ji. Moving on to the next question. Question number 2. Poverty is a state in which a person is poor, does not has proper home, inability to fulfill basic requirements, या फिर none of these. पॉवर्टी एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे एक पर्सन गरीब होता है, उसके पास घर नहीं होता एक प्रॉपर, वो इनेबल होता है कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट से पूरी नहीं हो पाती है, या फिर नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. हाँ जी बताइए. व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? Poverty is a state in which a person is poor, doesn't has proper home, inability to fulfill basic requirements, या फिर none of these. What is the correct answer? Please do everybody reply in the chat box.
रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? सर सेम जी, yes, everybody has given the right answer. The correct option for question number 2 is option number C. That is, poverty is a state in which a person is unable to fulfill basic requirements. Very good. Moving on to the next question, question number 3. Urban poor includes, urban poor ke andar kaun se log aate hain? Street cobblers, roadside vendors, push cart vendors, ya fir all of these. Jo urban मतलब शहर में रहने वाले गरीब लोग होते हैं, उसके अंदर कौन आते हैं? जो स्ट्रीट पे बैठे कॉबलर्स होते हैं, जो रोड साइड में सामान बेचने वाले वेंडर्स होते हैं, जो कि रेडिया लेके पुश कार्ट वेंडर्स होते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीस? हाँ जी, करेक्ट आंसर बताइए थर्ड का. स्ट्रीट कॉबलर्स, रोड साइड वेंडर्स, पुश कार्ट वेंडर्स, या फिर ऑल ऑफ दीस? हाँ जी रचना जी, यस वेरी गुड एवरीबडी. 3 का डी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज एवरीथिंग, दैट इज स्ट्रीट कॉबलर्स, पुश कार्ट वेंडर्स एंड रोड साइड वेंडर्स. ऑल दीस 3 आर इंक्लूडेड इन द अर्बन पुअर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. लैंडलेस लेबरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. लैंडलेस लेबरर किसका एग्जाम्पल है? अर्बन पुअर का, रूरल पुअर का, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? लैंडलेस लेबरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्बन पुअर, रूरल पुअर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? हाँ जी एवरीबडी, हरी अप, डू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स बच्चे. प्रीति, पूजा, सेम जी, लैंडलेस लेबरर का पूछा है. लेबर क्लास यूजली अर्बन में रिजाइड करती है या फिर रूरल एरियाज के अंदर? प्लीज रीथिंक योर आंसर. नहीं जी बेटा, फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. दैट इज लैंडलेस लेबरर इज एन एग्जांपल ऑफ रूरल पुअर, बिकॉज
यूजली जो लैंडलेस जिनके पास बिल्कुल भी जमीनें नहीं होती हैं वो लेबरर्स यूजली रूरल एरियाज के अंदर ही रिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पीपल हु आर ऑलवेज बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग हमेशा पॉवर्टी लाइन के अंडर ही रहते हैं, बिलो ही रहते हैं, उनको हम क्रॉनिक पुअर बोलते हैं, सीजनल पुअर बोलते हैं, ऑलवेज पुअर बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी बताइए फिफ्थ का क्या करेक्ट आंसर है। जो कि हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं उन लोगों को हम कौन सा पुअर बोलते हैं, क्रॉनिक पुअर, सीजनल पुअर, ऑलवेज पुअर, या नन ऑफ दीज। तरसेम जी, अमन, रचना, पूजा, प्रीति, तरसेम जी, नो। एक बार दोबारा देखिए, नन ऑफ दीज क्यों आएगा। रचना, रजनी एंड प्रीति जी हैव गिवन द करेक्ट आंसर। Those people who are always below the poverty line, they are termed as always poor. ना तो हम उनको chronic poor बोलते, ना ही हम उनको seasonal poor बोलते, उनको हमेशा always poor की category के अंदर include करते हैं। Question number 6, which category of poor includes both always and usually poor? कौन सी category of poor के अंदर हमेशा हम कह सकते हैं always poor वाले लोग या usually poor वाले लोग आते हैं? Churning poor, transient poor, seasonal poor, या फिर chronically poor? हाँ जी, ऑलवेज एंड यूजली पुअर वाले जो वर्ड्स हैं वो कौन सी कैटेगरी ऑफ पुअर के लिए यूज किए जाते हैं? चर्निंग पुअर, ट्रांजिएंट पुअर, सीजनल पुअर, या फिर क्रॉनिकली पुअर? ये भी मैंने आप लोगों को करवाया था। हाँ जी बताइए सिक्स का क्या करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी बच्चे बताइए सिक्स का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। वेरी गुड एवरीबडी, द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्रॉनिकली पुअर कैटेगरी के अंदर हमेशा हम ऑलवेज पुअर या यूजली पुअर वाले लोगों को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सर सेम जी आपका आंसर करेक्ट नहीं था, बाकी सबके आंसर करेक्ट थे। रजनी जी आपका भी आंसर करेक्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, विच कैटेगरी ऑफ पुअर पीपल कीप मूविंग अप एंड डाउन द पॉवर्टी लाइन, कौन से जो कैटेगरी है पुअर पीपल के जो हमेशा पॉवर्टी लाइन के अप एंड डाउन आते जाते रहते हैं, जिनकी कैटेगरी बदलती रहती है, कभी वो बिलो द पॉवर्टी लाइन होते हैं, कभी वो अबव द पॉवर्टी लाइन होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, ओकेजनली पुअर, ट्रांजिएंट पुअर, चर्निंग पुअर, या फिर ऑलवेज पुअर?
हाँ जी बताइए, 7th का क्या करेक्ट आंसर है? ट्रांजिएंट, इसलिए आप लोग कह रहे हैं क्योंकि ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो लोग इधर उधर चलते फिरते रहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को सोच रहे हो आप, ट्रांजिएंट। एनीबडी एल्स, कौन जवाब देगा 7th का? तरसेम, अमन, पूजा, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टर्निंग पोर। ओनली प्रीति जी हैज गिवन द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन देखिए, द पॉवर्टी अक्रॉस द पीपल रीजन्स और कंट्रीज इज नोन एज। जो गरीबी लोगों के अक्रॉस है, रीजन्स में है, कंट्रीज में है, उसको हम अर्बन पॉवर्टी बोलते हैं, रूरल पॉवर्टी बोलते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं, या फिर एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। रचना जी, शॉर्ट टर्म की बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए वो कभी अप एंड डाउन, यहाँ पे सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि कभी वो अबव द पॉवर्टी लाइन चल जाते हैं, कभी वो बिलो द पॉवर्टी लाइन चल जाते, तो टर्निंग पुअर की डेफिनेशन वही होती है। यस, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू गिव आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8? रजनी जी, करेक्ट आंसर। यस, 8th का सी इज द राइट आंसर, दैट इट इज कॉल्ड योर रिलेटिव पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 9, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया इज मेजर्ड थ्रू पॉवर्टी लाइन, एजुकेशन, हेल्थ, या फिर नन ऑफ दीज। इंडिया के अंदर जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो आप लोग कैसे मेजर करते हैं, पॉवर्टी लाइन से, एजुकेशन से, हेल्थ से, या फिर नन ऑफ दीज से?
हाँ जी बेटा, 9th का आंसर बताइए। वेरी गुड, एवरीबडी हैज गिवन द करेक्ट आंसर, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया इज मेजर्ड थ्रू पॉवर्टी लाइन। क्वेश्चन नंबर 10। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आप लोग हमारे मास्टर कैडर के पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे मास्टर कैडर के अंदर मैथ्स, साइंस, पंजाबी, सोशल स्टडीज, हिंदी एंड इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स के जो पेड ग्रुप्स हैं वो हमारे चल रहे हैं। एंड अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हैं तो एज सून एज पॉसिबल आप लोग हमारे इन पेड ग्रुप्स के अंदर अपने आप को इनरोल करवाइए। उसके लिए आपको करना क्या होगा, दैट इज ये आपको नंबर दे रखा है आपकी स्क्रीन के सामने, ये दीपक सर का नंबर है। यू जस्ट हैव टू कॉल हिम, आस्क ऑल द डिटेल्स फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग इनरोल्ड इन दीज मास्टर कैटेगरी ग्रुप्स, और उसके अंदर हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को भी बहुत थरीली अपने सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपको डेफिनेटली जो पेड ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन करने चाहिए, ठीक है जी। एंड यस, आप लोग हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, आपको अपना नाम लिखना होगा, मास्टर कैडर लिखना होगा एंड सब्जेक्ट के कौन से सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपको लिख के जो है उसका एक व्हाट्सएप मैसेज बना के व्हाट्सएप के ऊपर भेजना होगा। ये दोनों ही व्हाट्सएप नंबर्स हैं, इनमें से किसी के ऊपर भी आप मैसेज करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करा दिया जाएगा। उस बेसिकली आपके उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में होगा क्या, एक तो आपको आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड सारी करंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, दूसरा आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड हम ये जो भी एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स वो आपको क्या है उसकी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो यस, डोंट फॉरगेट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग योर सेल्फ इनरोल्ड इन दीज फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के। परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि हमारी पॉवर्टी लाइन के बिलो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। गुड आफ्टरनून अजय जी, हाँ जी 10th का करेक्ट आंसर बताइए सब लोग। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा हेड काउंट रेशियो भी बोलते हैं और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो होते हैं। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1981 के अंदर, 1979 के अंदर, 1973 के अंदर या फिर 1975 के अंदर। हाँ जी बताइए 11th का क्या करेक्ट आंसर है।
बेटा बेसिकली पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो क्या होता है, दैट इज द पॉपुलेशन या प्रोपोर्शन या परसेंटेज जो कि एग्जिस्ट करती है, लिव करती है बिलो द पॉवर्टी लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो या फिर हेड काउंट रेशियो। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ बेटा ऑप्शन नंबर बी दैट इज 1979। ये जो पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले एक प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया था 1962 के अंदर बेसिकली, तो लेकिन ये सब्सिक्वेंटली एक्सपैंड किया था वर्कफोर्स ने अंदर 1979 के अंदर। आगे बात समझ, तो 1979 इज द करेक्ट आंसर, 11th का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट्स विच स्टेट हैज द हाइएस्ट पॉवर्टी, इनमें से कौन सी स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा गरीबी है, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर यूपी। हाँ जी बताइए, इनमें से कौन सी स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा पॉवर्टी है, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर यूपी। हाँ जी एवरीबडी गिव द करेक्ट आंसर, प्रीति, रुपिंदर, पूजा, अमन। अजय जी करेक्ट आंसर बताइए। बेटा द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी दैट इज मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉवर्टी इन दिस, अगर हम लोग इन स्टेट्स के कंपैरिजन करें तो। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का कारण क्या है, लो रेट ऑफ ग्रोथ, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। बहुत इजी है ये तो, गरीबी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कि ग्रोथ है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है या फिर ऑल ऑफ दीज। प्रीति, रुपिंदर, रचना, वेरी गुड, दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये तीनों ही कारण क्या है, हमारे कॉजेस ऑफ पॉवर्टी हैं। रियली गुड। क्वेश्चन नंबर 14, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वॉज स्टार्टेड इन, PMRY, ये जो रोजगार योजना थी ये कब स्टार्ट हुई थी, 1995 में, 93 में, 1991 में या फिर 1998 के अंदर। हाँ जी बताइए, 14th का क्या करेक्ट आंसर होगा। हरी अब बच्चे, 14th का करेक्ट आंसर बताइए। प्रीति, वेरी गुड एवरीवन, दैट इज 14th का बी इज द राइट आंसर, दैट इज 1993 के अंदर ये रोजगार योजना प्राइम मिनिस्टर की स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, विच प्रोग्राम वाज मर्ज्ड इन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, कौन से प्रोग्राम को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंदर मर्ज कर दिया गया था, नेहरू रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम या फिर बोथ ए एंड सी। हाँ जी बताइए, 15th का क्या करेक्ट आंसर होगा।
यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेहरू रोजगार योजना एंड प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स जो थे, दोनों प्रोग्राम्स स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंदर क्या हुए थे, मर्ज हुए थे। 16th, मग्नरेगा ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ, जो महात्मा गांधी जी की जो ये जो स्कीम निकाली गई थी कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, वो कि मिनिमम कितने दिनों के लिए था, 150 डेज, 200 डेज, 100 डेज या फिर 120 डेज। रुपिंदर एंड प्रीति, यस वेरी गुड एवरीबडी, 16th का सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज दिस स्कीम ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 100 डेज। क्वेश्चन नंबर 17th, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ, ये जो आईसीडी की सर्विस थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी बच्चों के लिए कौन से एज ग्रुप के, 0 to 10 ईयर्स, 0 to 6 ईयर्स, 1 to 6 ईयर्स या 1 to 10 ईयर्स। हाँ जी अजय जी, वेरी गुड, 17th का बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 0 to 6 इयर्स के लिए जो आईसीडी सर्विस थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। 18th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर जो अकाउंट होल्डर्स थे उनको क्या मिलना था, 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 30 लाख, 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर, 40,000 का मेडिकल इंश्योरेंस या फिर बोथ ए एंड बी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर जो अकाउंट होल्डर्स थे उनको 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलना था, लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलना था 30,000 रुपए का, 40,000 का मेडिकल इंश्योरेंस बोलना था या फिर बोथ ए एंड बी। यस रचना, रुपिंदर, पीटी जी, यू थ्री आर करेक्ट, दैट इज 18th का डी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी दोनों ही जो थे अकाउंट होल्डर्स को ये दोनों चीजें मिलती थी, 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच अप्रोच इज यूज बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम द इशू ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के इशू से ओवरकम करने के निकलने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी अप्रोच यूज की थी, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, मीटिंग द मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर या फिर ऑल ऑफ दीज। हाँ जी बताइए 19th का क्या करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, 19th का डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज, ऑल दीज अप्रोचेस आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम द इशू ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मिनिमम कैलोरी इनटेक फॉर पीपल इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज के अंदर जो मिनिमम कैलोरी इनटेक होना चाहिए लोगों का वो कितना है, 2400 कैलोरीज, 2100 कैलोरीज, 2200 कैलोरीज या फिर नन ऑफ दीज। एनीबडी एल्स, वेरी गुड, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2400 कैलोरीज इज द मिनिमम कैलोरी इनटेक फॉर पीपल इन द रूरल एरिया।
क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स पुअर लिव इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड के जो पुअर लोग हैं उसके कितने प्रोपोर्शन इंडिया के अंदर रहते हैं, 1/4, 1/3, 1/5 या हाफ? बाकी भी बताइए बच्चे, रचना, प्रीति, अनवीर, रुपिंदर, यस 21 का सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पूरे वर्ल्ड के पुअर के 1/5 पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर रहती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन इंक्लूड्स, एक इंसान की मिनिमम रिक्वायरमेंट के अंदर क्या आती है, हेल्थ, क्लोथिंग, फॉरेन ट्रैवल करना या बोथ ए एंड बी? अजय जी आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ। वेरी गुड, 22 का डी इज द करेक्ट आंसर, हेल्थ और कपड़े एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक इंसान की, ना कि फॉरेन ट्रैवल करना। पॉवर्टी इन इंडिया इज अ स्टडी, पॉवर्टी इन इंडिया अ स्टडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी है वो किसकी स्टडी है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? जी बताइए 23 का क्या करेक्ट आंसर होगा। इंडिया के अंदर हम जब गरीबी को स्टडी करते हैं तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कि रूरल पॉवर्टी क्या है, अर्बन पॉवर्टी क्या है, दोनों ही क्या है या फिर नन ऑफ द अबव? यस वेरी गुड एवरीवन, 23 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन पुअर, ठीक है, नो और वेरी फ्यू एसेट्स, कच्चा हट मींस एज ड्वेलिंग्स, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? अर्बन पुअर वो है जिनके पास कोई भी एसेट्स नहीं होती है, बहुत कम एसेट्स होती है, जिनकी कच्ची हट्स एंड उनकी ड्वेलिंग्स होती है, उनकी रहने की जगह होती है, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? हाँ जी बताइए, यस वेरी गुड, 24 का सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज रूरल पुअर, इनमें से कौन सी चीज को आप एज रूरल पुअर की तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रीट कॉबलर्स इन टाउन्स, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्मॉल लैंड होल्डिंग कल्टीवेटर्स या बोथ बी एंड सी? ये तो हो ही सकता है क्योंकि टाउन्स कहाँ होते हैं आपके, अर्बन एरियाज के अंदर, ठीक है, तो ऑटोमेटिक सी बात है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी और सी दोनों मिला के। एक तो वो लोग जिनके पास लैंड्स नहीं है या जिनके पास बहुत ही कम जमीनें हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। एंड विद दिस हमारा आज का एमसीक्यू सेशन खत्म होता है बच्चे, फॉर एनी काइंड ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। And thank you so much for subscribing today to our class. And yes, don't forget to like, subscribe and share our channel Savvy Classes. I will see you all tomorrow. Bye-bye. Take care. Stay tuned.